नमस्कार। भोजपुरी सिनेमा के सरताज के रूप में आज हमारी मेहमान हैं भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री निधि झा, जो कि लुलिया गर्ल के रूप में मशहूर हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। निधि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका। पहले तो सभी दर्शकों को निधि झा का प्रणाम है, नमस्कार है। ये लुलिया का मतलब क्या होता है? देखिए, लुलिया तो एक गाना मैंने किया था एक गेस्ट सॉन्ग में। इतना आइडिया नहीं था कि वो गेस्ट सॉन्ग जो अचानक से सब कुछ प्लान किया है, अचानक से कॉल आया, अचानक से जाके कर दिया। ऐसी रिलेशनशिप में मुझे नहीं पता था कि वो गाना इतना ज़्यादा लोगों को हिट करेगा कि निधि झा को लोग जो निधि झा के नाम से जानते थे वो लुलिया गर्ल के नाम से जाना जाएगी। एंड यस, लुलिया का मतलब आप जान सकते हैं, या लुलिया का मतलब कह सकते हैं हैप्पीनेस, मेरे हिसाब से, बिकॉज मुझे इस लुलिया ने बहुत ज़्यादा खुशी दी है। ये आपने एक उसका मीनिंग गढ़ा, आपको खुशी दी। लुलिया एक, मुझे लगता है कि एक कॉमन लड़की है, एक Correct. नाम है और हाँ. उस किरदार को आपने जीवन दिया। तो कैसे वो जो जिस गेस्ट अपीयरेंस में गई थी जी, कैसे वो काम मिला आपको? देखिए, हमारे जो डायरेक्टर हैं सुजीत सर जी, उनसे बात होती थी। हम बहुत कोशिश किए थे कि कोई फिल्म साथ में करें, बट डेट्स के वजह से मैच नहीं हो पाया। तो उनका एक आइडिया था, इवन पवन जी चाहते थे कि लुलिया जब सॉन्ग आए तो निधि झा करें। वो कुछ हो गया था, उसकी वजह से चीज़ें हो नहीं पाई। तो अचानक से मुझे सुजीत सर का कॉल आया कि बाबू कल सॉन्ग करना है, तुम फ्री हो? तो मैंने बोला चलो ठीक है, पवन जी को तो, पवन जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही सुजीत सर से भी बहुत अच्छा रिलेशन हो गया, तो चलते हैं। ऑन द स्पॉट हमने चीज़ें फाइनलाइज़ की, नेक्स्ट डे जाके शूट किया। और शूट भी ऐसा हुआ कि कड़ा बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब उसमें मुझे शॉर्ट्स पहनना था, एंड मैं ऐसे काँपते 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 फिर भी हमने किया। रात के 12 बजे तक शूट किया और नेक्स्ट डे सुबह की फ़्लाइट थी, भुज में हम शूट कर रहे थे। बट वही कहते हैं ना कि आप जो भी चीज़ आई है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत जल्दी में कर दिया आपने और वो लोगों को ट्रिक कर गई। वही एक रीज़न था कि गए कुछ घंटों में गाना ख़त्म किया। कब की बात है और कौन सी फिल्म थी ये? फिल्म है सत्या, पिछले साल की ही बात है, आई गेस फेब या मार्च की ही बात होगी। ठंड बहुत थी भुज में, बहुत ज़्यादा भुज में। तो मैं कोई दूसरी फिल्म कर रही थी और मेरे पास एक हफ्ते का वक्त था। तो मुझे डायरेक्टर का फ़ोन आया और जैसा कि मैंने बताया, गई कर आ गई एंड आई डेंट नो कि लुलिया इतना ज़्यादा हिट करेगा लोग को कि मुझे आज लोग लुलिया के नाम से जाना जाएंगे। इसके लिए मैंने कहा ना कि मैंने लुलिया को हैप्पीनेस का एक वर्ड दिया है, क्योंकि लुलिया जब भी लोग बुलाते हैं मेरे अंदर वो एक खुशी आ जाती है, मेरे अंदर एक स्माइल आ जाती है। वो आपकी सेकेंड फिल्म थी? फिल्म मेरी सेकेंड नहीं थी, आई गेस वो मेरी 6th या 7th फिल्म थी। लेकिन लुलिया से आपको पहचान मिली? पहले लोग मुझे बर्फ़ के पानी के नाम से भी बुलाया करते थे, जो मेरी फर्स्ट हिट फिल्म है, दैट इज गदर। नहीं, ये बर्फ का पानी क्या है? बर्फ का पानी भी एक बहुत ज्यादा गदर का एक हिट गाना है कि मैं गुनगुनाऊंगी तो बहुत ही गंदा लगेगा क्योंकि मैं बहुत ही बेसुरी हूँ। तो वो गाना बहुत ज्यादा लोगों को हिट किया था लुलिया से पहले। लोग निधि झा को बर्फ के पानी के नाम से भी बुलाया करते थे। निधि झा पहले बर्फ का पानी बने, फिर लुलिया बनी जी। और ये दोनों गाने के शॉर्ट्स हैं, गाने की वजह से पॉपुलरिटी मिली जी जी। मैं अभिनय की बात करूँगा आगे के सफर में, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि निधि को जो पॉपुलरिटी मिली, क्योंकि आज भोजपुरी सिनेमा के जो भी दर्शक हैं वो बहुत कम समय में आपको पहचानने लगे। बहुत कम अभिनेत्रियाँ हैं इस इंडस्ट्री में जिनको इतने कम समय में ये लोकप्रियता मिलती है या पहचान मिलती है। आप अपनी पॉपुलैरिटी को हैंडल कैसे करती हैं? देखिए, मेरे मॉम डैड ने बहुत अच्छे से सिखाया है कि कभी भी अगर आपको किसी चीज़ का दर्जा मिले या अगर आपको लगता है कि नहीं अब आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं, तो कभी घमंड ना रखें, कभी ईगो ना रखें और अपने आप को एक लेवल पर ही समझें। नहीं, ये जो है ये कैमरा पर बोलने के लिए जी, नहीं नहीं नहीं, ये वाकई प्रैक्टिकल में मैं ये मानती हूँ। आप प्रोड्यूसर को तंग नहीं करती हैं? टाइम से सेट पर जाती हैं? ये आप सारे प्रोड्यूसर से जाके पूछ सकते हैं कि निधि झा का रेपो कैसा है सेट पे। आई बिलीव कि देखिए, हम एक्टर को हमेशा चीज़ों में पंचुअल रहना चाहिए। एंड मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं ईगो दिखाऊँ या मैं
कहीं ना कहीं एटीट्यूड दिखाओ तो मुझे बहुत बड़ा नाम मिलेगा या बहुत बड़ा दर्जा, ये और मेरे लिए बुरी बात होगी। तो मैं बिलीव करती हूँ कि आप काम करते रहिए, लोगों को अच्छा लगेगा तो वो आपके काम को सराहेंगे ही सराहेंगे, एंड नहीं अच्छा लगेगा तो मुंह पे भी बोलेंगे। सो बस अपना काम करते रहिए, फल की चिंता जो हमारा होता है, जो बोला जाता है कि आप बस काम करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। काम का क्राइटेरिया क्या, कैसे किस आधार पर आप फिल्मों का सिलेक्शन करती हैं या किरदार का सिलेक्शन करती, क्या किस आधार पर आप अपनी जर्नी, फिल्मी जो सफर है, काम करना है नहीं करना है, क्या होता है? कहानी देखती हैं, प्रोड्यूसर देखती हैं, टीम देखती हैं, क्या देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ी चूजी हूँ चीज़ों को लेके, और कोशिश करती हूँ कि जब भी कुछ नया करूँ, चैलेंजिंग करूँ, एंड मैं प्रोड्यूसर नहीं देखती हूँ कि प्रोड्यूसर का कितना बजट है। मैं देखती हूँ कि देखिए, छोटी फिल्म हो बड़ी फिल्म हो, लोग उतनी ही मेहनत करते हैं छोटी फिल्म बनाने में भी बड़े बजट की फिल्म बनाने में। काम अच्छा होना चाहिए, या आज अगर आप 5 मिनट का काम करते हो और वो चीज़ अगर लोगों को ट्रिक कर जाती है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। काम क्या, कहानी सुनती? मैं क्या, जी क्या करती मैं सबसे पहले कहानी सुनना पसंद करती हूँ। जब लगता है कि नहीं, इसमें कुछ ऐसा है जो आज तक लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, या इसमें मैं कुछ और अच्छा कर सकती हूँ, अपने दर्शकों को कुछ अच्छा करके दिखा सकती हूँ, तो यस। ईमानदारी से बताइए। देखिए, ईमानदारी से ही बता रही मैं आपको। इंडस्ट्री में क्या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हीरोइन को बैठ के कहानी सुनाते हैं? देखिए, टचवुड ऐसा हो गया है कि अब तक मैंने जितनी भी फिल्में की होंगी, आई गेस 14वीं फिल्म होगी मेरी जो अभी मैं कर रही हूँ, मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि देखिए, मुझे आप वन लाइन ही सुनाइए, लेकिन सुनाइए, क्योंकि मुझे वो टिपिकल जहाँ कहा जाता है कि ठाकुर का लड़का हो या ठाकुर की लड़की हो, गरीब लड़का हो, गरीब लड़की हो, यही बेस स्टोरी। तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके अपने प्रोड्यूसर को या अपने डायरेक्टर को कहती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि आप मुझे एक लाइन सुना दीजिए, बिकॉज उस हिसाब से मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेती हूँ कि मुझे इस कैरेक्टर में ऐसे डूबना है या इस कैरेक्टर में ऐसे इसको सजाना है। किस ढंग का कैरेक्टर आपको पसंद है जो आप करना चाहती हैं, या अब तक की जर्नी में कौन सा कैरेक्टर आपको लगा है कि नहीं यार, ये मेरे लिए ही बना था किरदार, मुझे ही करना था और मैंने किया? देखिए, आई बिलीव इन डूइंग चैलेंजिंग कैरेक्टर्स, और स्पेशली मैंने अब तक जितने किए हैं, आप जितनी फिल्में देख ली जाएंगे, सब में कुछ ना कुछ वैरायटी है, कुछ ना कुछ ग्राफ है, बट एक फिल्म है गैंगस्टर दुल्हनिया, जो आई बिलीव कि वो गैंगस्टर दुल्हनिया मेरे लिए ही बना था, बिकॉज उस चीज़ में मैं घमंड नहीं कह सकती हूँ, ना ही आप कह सकते ईगो, बट आई गेस उस जो कैरेक्टर है, मुझे नहीं लगता कि अब तक किसी ने वैसा कैरेक्टर किया होगा। गैंगस्टर का कैरेक्टर है, जो लड़का हीरो हीरोइन वो खुद है, उसका कॉस्ट्यूम से ले लीजिए, उसका डिजाइनिंग ले लीजिए, उसका कैरेक्टर ले लीजिए, द वे ऑफ टॉकिंग ले लीजिए, वो कहीं आपको टिपिकल लड़की नहीं लगेगी, लगेगी तो गैंगस्टर ही लगेगी। उस चीज़ों में एक्शन ले लीजिए, या कुछ कुछ ऐसे ऐसे मैंने चीज़ें उसमें कोशिश की है जो मुझे नहीं लगता किसी और ने अटेम्प्ट भी नहीं, किया नहीं, होगा। क्या है उसमें, क्या आप लड़का बनी है, क्या है? जी नहीं, लड़का नहीं बनी हूँ, बट यस, यहाँ कट टू कट विलेन के साथ झगड़ा है, मारपीट है। आप गैंगस्टर? मैं गैंगस्टर बनी हूँ, डॉन बनी हूँ, जो मेरे आगे पीछे लोग घूमते हैं, मतलब गुंडई दबंगई, बहुत ज्यादा हूँ नहीं, बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ऐसा किरदार करना, चैलेंजिंग, जैसा कि मैंने कहा, मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, बिकॉज उससे पहले मैं बहुत शरीफ लड़की वाला कैरेक्टर, सीधी सादी गांव वाली या शहर वाली कर चुकी थी, तो ये गैंगस्टर, अपने आप को गैंगस्टर में निभाना, उसका चलने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ा, बट मजा आया करके। ये पसंद है ऐसे किरदार? बहुत ज्यादा पसंद है। निधि झा को और क्या क्या पसंद है, अभी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप कौन से ऐसे दिग्गज हस्तियां हैं जिनका इंटरव्यू आप देखना चाहते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द बायोस्कोप, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्रेस करें द बेल आइकन, ताकि आपको मिल सके द बायोस्कोप की वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले।